वंदे मातरम साथियों, कैसे आप सभी। मैं विजू चौधरी, डिफेंस जर्नी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जिस भी साथी ने अभी तक है जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आने वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन है वो तुरंत है जो आप लोगों के पास है वो पहुँचता रहेगा। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज के सेशन में अपने हैं जो कुछ इडियम एंड फ्रेजेस पर है जो डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन के अंदर जितने भी अपने ईडियम फ्रेज डिस्कस करने वाले हैं वो अपने CDS और FCAT के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक खास बात आप लोगों को बता दूं कि अपने जो भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो अपने हैं जो कहाँ से लिए गए हैं, वो आपका जो द हिंदू न्यूज़पेपर डेली आपका एडिटोरियल होता है उसी से इसको है जो क्या किया गया है, कलेक्ट है वो किया गया है। सारे के सारे ईडियम फ्रेजेस हैं वो सारे के सारे हैं जो द हिंदू एडिटोरियल से है जो लिए गए हैं और अपने सारे एग्ज़ाम के लिए है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये बनते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे देर का है, अपने इसके अंदर कंप्लीट है जो पूरे कितने क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा है जो देर का है कि 1 से 40 क्वेश्चन, यानी कि टोटल अपने हैं जो 40 क्वेश्चनों पर है जो डिस्कस मतलब चर्चा करने वाले हैं, और सबके अंदर आपको है जो idiom phrases से संबंधित ही दिया हुआ कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर है जो देखने को मिलेगा। और इसकी PDF आपको है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है जो वहाँ से मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और लिंक है जो टेलीग्राम का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है जो डाल रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर पहला idiom है जो आप यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि द डे ही गोट हिज जॉब वाज ए स्पेस। तो यहाँ पर आपको क्या फिलअप करना है, यहाँ पर देखो ये 4 ऑप्शंस A, B, C, D 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, फ्लोगरिंग ए डेड हॉर्स, रेड लेटर डे, पुटिंग कार्ड बिफोर हॉर्स और हॉर्स सेंस। तो यहाँ पर अपना इसका सही आंसर है जो कौन सा बनेगा, तो इसका सही आंसर अपना कौन सा बनेगा, यहाँ पे अपना इसका है जो करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे हो जाएगा कि रेड लेटर डे। यहाँ पर अपना कौन सा चूज़ करेंगे, यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा रेड लेटर डे। अब रेड लेटर डे का यहाँ पर अगर आपको मीनिंग पता है तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर रेड लेटर डे का इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है या इसका मीनिंग क्या होता है, एन इम्पॉर्टेंट डे, यानी कि उसने जो जॉब हासिल की थी वो उसके लिए क्या था, एक महत्वपूर्ण है जो उसके लिए एक दिन था। आगे दे रखा है कि ईटिंग लाइक ए हॉर्स, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ईट ए लॉट हो जाएगा। और आगे दे रखा है कि पुटिंग कार्ट बिफोर हॉर्स, तो इसका क्या दे रखा है कि डू थिंग्स इन ए रोंग ऑर्डर। और हॉर्स सेंस का मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस इसका है जो मतलब हो जाएगा, यानी कि इसका मीनिंग भी आप लोगों को ऑप्शंस के मीनिंग भी आप लोगों के लिए यहाँ पर है जो दे रखें, ताकि अगर आप इसको PDF को भी देखें तो आप लोगों को अच्छे से समझ में है जो आ जाए। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले पर्सन पे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर देखो क्या देर का है कि टू मेक हिम अंडरस्टैंड वाज लाइक। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ट्रायन हॉर्स, ए हेरिकुलन टास्क, ए कटिंग, ए गोर्डियन नोट और मिड स्टेट्स। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में यहाँ पर देर खाए कि कटिंग ए गोर्डियन नोट। तो यहाँ पर देखो आपको इसका मीनिंग भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा कि टू सोल्व ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट प्रॉब्लम या फिर टास्क बाई फोर्स, यानी कि जो भी एक मुश्किल समस्या है उसको दबाव के साथ क्या करना, उसको हल करना। तो यहाँ पर आपका ये सी ऑप्शन इसका है जो ये हो जाएगा, यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन भरना है, सी ऑप्शन यहाँ पे है जो भरना है। ट्राइन हॉर्स का मतलब देखो देर का है कि ए वुडन हॉर्स इन विच द ग्रीक सोल्डर्स हिड देमसेल्व हाइड देमसेल्वेज। और हेरिकुलन टास्क का मतलब होता है कि ए वेरी डिफिकल्ट टास्क या फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब जो इम्पॉसिबल है या फिर एक बहुत ही मुश्किल है जो करे है। और मिडेस्टस का मतलब क्या हो जाएगा, एक गोल्डन टच है जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर तीसरा प्रश्न देखो यहाँ पे दे रखा है कि ही इज़ ए स्पेस एंड ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, ए लोन ऑफ भरेंगे, टू कीप द वुल्फ एट बाय, या फिर ए वुल्फ एट द डोर, या ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। तो कौन सा ऑप्शन अपना इसका सही आंसर बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, यानी कि ए लोन वुल्फ। ए लोन वुल्फ का मतलब क्या होता है, टू। तो यहाँ पे आपको भरना क्या पड़ेगा, अपने को यहाँ पर है जो इस स्पेस के अंदर क्या भरेंगे, ए लोन वुल्फ यहाँ पे भरेंगे जो अपना इसका सही ऑप्शन है जो हो जाएगा। टू कीप द वुल्फ एट बे, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टू फाइट एजनेस्ट एनी डिफिकल्टी, और ए वुल्फ एट द डोर, तो फाइनेंशियल लॉस या फिर डेफिट, यानी कि आर्थिक मतलब जो घाटा होता है, और ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। तो यहाँ पर ए पर्सन्स हु प्रेटेंड्स
टू बी इनोसेंट बट एक्चुअली ही इज़ डेंजरस, ये इसका है जो अर्थ हो जाएंगे। सारी की सारी पीडीएफ्स जो भी मिलेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और सॉल्यूशंस भी आपको पीडीएफ के अंदर ही इंक्लूड करके, तो आप पीडीएफ को पढ़ेंगे तो भी आपको आसानी से सारा कुछ है समझ में मैटर है वो आ जाएगा। आगे फोर्थ नंबर देखते हैं कि डोंट वरी हैव पेटियंस स्पेस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कि एवरी डॉग्स हैज़ हिज डे, सी ऑप्शन दे रखा है कि गो टू द डॉग्स और डी ऑप्शन दे रखा है कि डॉग टायर्ड। तो यहाँ पे कौन सा idiom बनेगा देखते हैं आंसर आपका क्या बनेगा, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या कहता है कि एवरी डॉग हैज़ हिज डे, एवरी डॉग हैज़ हिज डे, यहाँ पर ये ऑप्शन बनेगा सही हो जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका मतलब मीनिंग अगर आपको देखना है तो क्या बनेगा कि एवरी persons गेट opportunity एट द सेम टाइम या फिर सेम अदर डे इन लाइफ। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यहाँ पे इसका क्या मीनिंग बनेगा कि नॉट टू टॉक अबाउट थिंग विच हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन द पार्ट्स, और गो टू द डॉग्स, यहाँ पे गो टू द डॉग्स क्या बनेगा टू बिकम ए हॉर्स, और डॉग टायर्ड यानी कि वेरी टायर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है जो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, फाइव नंबर क्वेश्चन देखा है कि डोंट स्पेस बिफोर द इनिमीज फाइट टिल द एंड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि शो द वाइट फीदर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कि फीदर वंस नेस्ट, सी ऑप्शन दे रखा है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, और डी ऑप्शन दे रखा है कि इन फाइन फीदर। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, क्या बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सो द वाइट फीदर, सो द वाइट फीदर का मीनिंग देखो यहाँ पे क्या बनेगा कि बिहेव लाइक ए कोवर्ड, और फेदर्स वंस नेस्ट का क्या बनेगा एक्ट सेल्फिशली बनेगा, और बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर्स इसका मीनिंग क्या बनेगा टू सिमिलियर पर्सन, और इन फाइन फेदर का अर्थ क्या बनेगा वेल ड्रेस्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर स्पेस के अंदर या फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे देखें तो आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन पे देखते हैं, नेक्स्ट पर्सन देखो यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है कि द आइडिया ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम हंगर मेड हिम स्पेस, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि वियर हट ऑन स्लीव, दूसरा ऑप्शंस कहता है बी ऑप्शन हैवी हार्ट, सी ऑप्शन दे रखा है कि सिक एट हार्ट, और डी ऑप्शन दे रखा है चिकन हार्टेड। तो इसमें से सही आंसर कौन सा बनेगा सिक एट हार्ट, क्या बनेगा सिक एट हार्ट, यहाँ पे देखो मीनिंग होपलेस, सिक एट हार्ट का मीनिंग क्या होता है होपलेस, तो यहाँ पर इसका होपलेस यहाँ पर अगर लिख दूँ तो ये भी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। वैसे इसका मीनिंग लिखना या मतलब idiom अपने को डालना है, तो idiom सिक एट हार्ट, सिक एट हार्ट ये इसका सही मीनिंग है या फिर idiom है जो अपना हो जाएगा। आगे देखते हैं वियर हार्ट ऑन स्लीव्स, इसका मीनिंग देखो टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, हैवी हार्ट इसका मतलब क्या होता है सैड यानी कि निराश होना, और ये तो अपने चेक कर लिया, और चिकन हार्टेड का मतलब होता है क्वार्ड, क्वार्ड मतलब डरपोक। आगे बढ़ते हैं सात नंबर देखते हैं, सेवन नंबर के अंदर देखो क्या दे रखा है कि द एडिटर हैज स्पेस एंड ही विल नोटिस एवरीथिंग, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बर्ड्स आई व्यू, ईगल्स आई व्यू, टर्न ए ब्लिंड आई या फिर कैच समवंस आई। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा, कौन सा idiom यहाँ पर करेक्ट बनेगा, तो ईगल्स व्यू आई, ईगल्स आई व्यू क्या बनेगा ईगल्स आई व्यू, देखो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ईगल्स आई व्यू का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है कि एबिलिटी ऑफ नथिंग मिनट मिस्टेक, और बर्ड्स आई व्यू का मतलब दे रखा है कि ए ब्रॉड व्यू ऑफ सिचुएशंस, और टर्न ए ब्लिंड आई का दे रखा है कि इग्नोर समथिंग मतलब किसी चीज़ को समथिंग एज उसको क्या कर देना इग्नोर करना, और कैच समवंस आई टू गेट अटेंशंस, ठीक है। तो इसका कौन सा बन जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। आपको सेशन से संबंधित कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सजेशंस आप लोगों को देना हो तो आप है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जाकर हमारे साथ है जो अपना सजेशन या फिर जो भी डाउट है उसको शेयर है वो कर सकते हैं। आठ नंबर क्वेश्चंस देखते हैं, आठ नंबर क्वेश्चंस देखो यहाँ पे क्या कहता है कि द होल इंटरव्यू वाज डन, तो स्पेस में आपको क्या फिलअप करना है, कौन सा idiom आएगा, यहाँ पे idiom दे रखा है कि टंग इंचिक शार्प टंग स्लीप ऑफ टंग या फिर होल्ड योर टंग, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो इसके सही आंसर बनेगा, तो देखते हैं आठ नंबर पर्सन का सही आंसर है जो क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि टोंग इंचिक, यहाँ पे देखो इसका मीनिंग दे रखा है, मीनिंग क्या कहता है कि
समथिंग सेड इन सार्कास्टिक मैनर, यानी कि सार्कास्टिक मैनर के अंदर है जो किसी बात को है जो कहना, और शार्प टंग का मतलब होता है कि ए बिटर और क्रिटिकल वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि किसी चीज़ को बोलने का जो एक रास्ता होता है वो क्रिटिकल तरीके से किसी बात को है जो कहना। और स्लिप ऑफ टंग का होता है ए माइनर मिस्टेक इन स्पीच, यानी कि जो अपना भाषण है या फिर जो है एक स्पीच दे रहे हैं उसके अंदर एक माइनर मिस्टेक है जो किसी चीज़ का है, मतलब माइनर मिस्टेक उसके अंदर है जो होना। और होल्ड योर का हो जाएगा कि नोट टू से एनीथिंग दैट अपसेट्स पीपल। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि टोंग इन सिक, ये इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखो क्या कहता है कि ही वाज स्पेस अबाउट विच ऑफ द जॉब्स टू एक्सेप्ट। तो यहाँ पे इडियम दे रखा है कि ऑल इन ए डेज वर्क, गेम प्लान, बोसम्स हॉलीडे या फिर इन ए फिक्स। तो आंसर देखो यहाँ पे कौन सा इसका आंसर बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो दे रखा है कि इन ए फिक्स, यानी कि आपका डी ऑप्शन बनेगा। तो इन ए फिक्स का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज़न। इन ए फिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न है जो इसका मतलब हो जाएगा। ऑल इन ए डेज वर्क, ऑल इन ए डेज वर्क का मतलब देखो यहाँ पे ऑफ समथिंग अनयूजुअल और डिफ़िकल्ट। गेम प्लान का मतलब होता है कि एक केयरफुली कंसिडर्ड स्ट्रेटजी, ए केयरफुली कंसिडर्ड स्ट्रेटजी। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, 10 नंबर देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है वो देर का है कि ही वेस्टज हिज टाइम बट स्पेस। यहाँ पे देर का है कि एवरी डॉग हैज हिज डे, नोडी वर्क ऑन द लाइन या फिर बेकर डजन। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो अपना सही आंसर है वो बनेगा, वो क्या बनेगा। यहाँ पे अपना जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एवरी डॉग हैज़ हिज डे। इसका मतलब देखो कि ए पर्सन हु इज़ एबल टू गेट थिंग्स डन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को क्या कर सकता है, एबल टू गेट थिंग डन कर सकता है। और नोडी वर्क का मतलब देखो यहाँ पे है जो क्या देर का है कि टू अन इम्पोर्टेंट और वेरी सिंपल टास्क, एक तो जो महत्वपूर्ण नहीं है और क्या बहुत ही सिंपल है जो एक टास्क है। ऑन द लाइन, ऑन द लाइन का मतलब है कि ऑन द स्टेट ऑफ जियोपार्टी और अनसर्टेनिटी। और बेकर डजन का मतलब क्या हो जाएगा, 13। अब आपको 13 की स्थिति में होना, आपको इसका idiom का मतलब पता होगा कि ये कौन सी सिचुएशन है जो ये होती है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पे देर का है कि टू मेक हिम अंडरस्टेंड वाज लाइक। तो यहाँ पे आपको स्पेस के अंदर कौन सा idiom है जो फिलअप करना है, ट्राइन हॉर्स, हेरिकुलन टास्क, कटिंग ए गॉर्डियन नोट या फिर मिडस टच। तो ये तो आपको अभी देख लिया था आपने, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, द आइडिया ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम हंगर मेड हिम। यहाँ पे देखो इसका क्या मीनिंग बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, सिक हार्ट्स टू, ये है जो इसका कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन, सिक एट हार्ट यानी कि होपलेस। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पर्सन देखो यहाँ पे कुछ है जो idioms यहाँ पे रिपीट हो चुके थे तो मैंने उसको जल्दी से स्किप कर दिया। देखो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए स्पेस वुड नॉट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ ए पुअर, फील ब्लू, ब्लू पेंसिल्स, ब्लू ब्लड या फिर ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर देखो क्या बनेगा, इसका जो अपना सही आंसर बनेगा वो बनेगा ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड यानी ऑप्शन नंबर सी। और ब्लू ब्लड का मतलब देखो ए रॉयल फैमिली, ए रॉयल फैमिली मतलब ऐसा पर्सन जो एक धनी परिवार के अंदर पैदा हुआ हो उसको क्या करते हैं, या फिर धनी परिवार से क्या करता हो, बिलोंग है वो करता हो, बिलोंगिंग टू ए रॉयल फैमिली। और फील ब्लू का मतलब क्या होता है, सेड यानी कि निराश होना। और ब्लू पेंसिल्स का मतलब क्या होता है कि टू सेंसर समथिंग। और ब्लू इन द फेस क्या मतलब होगा इसका, टू ट्राई रियली हार्ड टू विन समवन्स एग्रीमेंट बट एंड अनसक्सेसफुली। तो आप ऑप्शंस देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपना जो इसका ऑप्शंस देखा कि वो बनेगा अपना ब्लू ब्लड यानी कि बिलोंगिंग टू ए रॉयल फैमिली, किसी धनी परिवार से या फिर एक रॉयल फैमिली से क्या करना, बिलोंग करना। 14 नंबर पर्सन देखो यहाँ पे देर का है, देर का है कि हैरी इज ऑलवेज गोइंग अराउंड ओपनिंग विंडोज, ही गोट ए स्पेस अबाउट फ्रेश एयर। तो यहाँ पर कोल्ड ट्रक की देर का है, बी इन हिज बोनेट देर का है, फिश
इंट्रूबल्ड वाटर दे रखा है और बेड एप्पल दे रखा है। इसमें से कौन सा मीनिंग या फिर कौन सा idiom यहाँ पे इसका सही आंसर बनेगा? तो 14 नंबर प्रश्न का अपना जो राइट आंसर है जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे दे रखा है कि ऑप्शन नंबर बी कि बी इन हिज बोनेट, बी इन हिज बोनेट। तो यहाँ पर इसका मीनिंग देखो, सबसे पहले दे रखा है कि यू आर ओबेसिड विद इट एंड कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। यहाँ पे आगे देखो गोल्ड टर्की का मीनिंग दे रखा है कि सडनली एंड कम्प्लीटली विदाउट गेटिंग यूज्ड टू समथिंग ग्रेजुअली। और फिश इन ट्रूबल्ड वाटर दे रखा है कि ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ ए कन्फ्यूज सिचुएशंस। और बेड एप्पल का मीनिंग देखो कि ए बेड और करप्ट पर्सन इन ए ग्रुप, यानी कि किसी ग्रुप के अंदर या फिर समूह के अंदर ए बेड या फिर करप्ट पर्सन का होना, टाइपिकली वन दोज बिहेवियर इज लाइकली टू हैव ए डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन देयर एसोसाइज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पे देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पे देर का है, वी हैव टू स्पेस द टोटल कॉस्ट बिफोर वी बाई द हाउस। तो यहाँ पे idioms आपके लिए देर का है, टर्न अप देर का है, डू ओवर देर का है, गेट बैक इंटू देर का है, वर्क आउट है वो दे रखा है। तो इसमें से सही ऑप्शन इसका सही आंसर है वो कौन सा बनेगा, इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, देखो वो बनेगा कि टर्न अप का मतलब देखो यहाँ पे दे रखा है कि अपीयर सडनली, वर्क आउट का मतलब दे रखा है मेक ए कैलकुलेशंस, गेट बैक इनटू का मतलब दे रखा है कि बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग अगेन, और डू ओवर का मतलब दे रखा है डू अगेन, टर्न अप बनेगा तो टर्न अप का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, अपीयर सडनली, अपीयर सडनली यहाँ पर है जो इसका मतलब दे रखा है, तो टर्न अप इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखो, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है वो दे रखा है कि ड्यू टू फर्स्ट डे ऑफ मूवी लॉन्च आशिका ब्रॉट टिकट्स फ्रॉम स्पेस, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक मार्केट, ब्लैक आउट या फिर ब्लैक लिस्ट। तो इसका सही आंसर देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका जो सही आंसर है जो बनेगा वो क्या दे रखा है, इसका आंसर है जो बन जाएगा ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। अब देखो ऑप्शंस के अंदर इसका आंसर या फिर इसके मीनिंग, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है डिस्क्राइब समथिंग बैडली ब्रूज्ड, ब्लैक मार्ट या फिर ब्लैक मार्ट का मतलब देखो यहाँ पे देर का है, ये ब्लैक मार्केट होगा शायद तक, यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर मतलब इसके अंदर मिस हुआ है, तो मार्केट फॉर इलीगली बॉट एंड सोल्ड गुड्स, यानी कि जब अपने टिकट्स किसी मूवी के खरीदते हैं तो क्या करते हैं, ब्लैक मार्केट यानी कि चोरी छुपे जो टिकट्स मिलते हैं उनको खरीदना, और ब्लैक आउट यानी कि लॉस कॉन्शियसनेस, और ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ पीपल ब्रेकिंग रूल्स एंड बैनिंग देम, यानी कि जो लोग रूल को तोड़ते हैं और उनके बाद उन पर है जो बैन या फिर उनके ऊपर है जो रोकथाम है वो लगाई जाती है, तो ब्लैक लिस्ट के अंदर है जो बोल उनको डाला जाता है, जैसे अपने मोबाइल नंबर की होती है, मतलब फ़ोन के अंदर अपने एक ब्लैक लिस्ट होती है, उसके अंदर अपने मतलब जो भी पर्सन होते हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपने उस ब्लैक लिस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद वो अपने को कभी है जो तंग नहीं कर पाते, उनका कोई भी नोटिफिकेशन अपने पास है वो नहीं आता है। 17 नंबर प्रश्न देखो, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन है जो देर का है कि व्हेन वी वर चिल्ड्रंस माई ओल्डर ब्रदर ऑलवेज यूज टू गेट स्पेस इफ माई डैड बोट समथिंग फॉर मी। तो यहाँ पर ग्रीन विद इनवी, ग्रीन येड, द ग्रीन लाइट या फिर ग्रीन थंब। तो इसका सही आंसर अपना है जो क्या बनेगा, इसका राइट आंसर देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शंस का पहले मीनिंग देख लेते हैं कि ग्रीन विद इनवी का मतलब होता है फुल ऑफ नेवी, और ग्रीन आइट का मतलब होता है इनवियस, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है गेट द परमिशन, और ग्रीन थम का मतलब होता है स्किलफुल इन गार्डनिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देर का है, यानी कि ग्रीन विद इनवे यानी कि फुल ऑफ नेवी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल ऑफ नेवी, ये इसका है जो मीनिंग है जो हो जाएगा, किसका idiom का मीनिंग हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पे क्या कहता है, देर का है कि द गर्ल चूज टू मैरी ए स्पेस मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ
सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर मैन इन स्ट्रीट। तो इसका सही आंसर देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका अपना जो सही आंसर है जो बनेगा दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मैन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो मैन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है, रिच मैन, या फिर इसको बोल सकते हैं कि धनी व्यक्ति। ठीक है, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स हु डजंट स्पीक मच, और मैन ऑफ वर्ड्स कीपिंग प्रोमिस यानी कि जो अपना वादा है उसको कंटिन्यू बनाए रखता है, और मैन इन स्ट्रीट यानी कि कॉमन मैन, जो एक कॉमन मैन होता है वो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैन इन स्ट्रीट। और अपना यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला idiom इसका सही आंसर है, जो ये मैन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रीज मैन इसका सही आंसर है जो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पे क्वेश्चन है वो देर का है कि इफ़ दैट हैड स्पेस फॉर देम इट वुड हैव बीन ए मेजर डील। तो यहाँ पर idiom देर का है गोट योर बैक, ग्रैप्स द नेटल, गॉन साउथ, या फिर हाफ बैक्ड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर देखो क्या बनेगा, इसका अपना जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गॉन साउथ। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग, हैविंग एन अनफोर्सेन और चाउटिक रिजल्ट्स, और हाफ बक्ड का मतलब क्या होता है, नॉट रेडी येट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है जो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, नेक्स्ट पर्सन है वो 20 नंबर देखो देर का है कि हिज फर्स्ट सेशन हैज़ ओनली जस्ट स्टार्टेड बट स्पेस ट्रिप द लाइट फैंटेस्टिक द होल 9 yards दैट्स द लास्ट स्ट्रो और टाइम्स फाइल्स द टाइम फ्लीज व्हेन यू आर हैविंग फन। तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा idiom बनेगा। तो 20 नंबर क्वेश्चंस का जो अपना सही आंसर है जो बनेगा वो कौन सा आंसर है जो यहाँ पे बनेगा वो देखो यहाँ पे है जो क्या देर का है कि ट्रिप द लाइट फैंटेस्टिक, इसका मीनिंग क्या बनेगा, टू डांस, और इसका क्या बनेगा, द होल 9 yards का एवरी थिंग ऑल द वे, और दैट्स द लास्ट स्ट्रो का बनेगा माई पेटियंस हैज़ रन आउट, और टाइम्स फ्लाइज का बनेगा कि यू डोंट नोटिस हाउ लॉन्ग समटाइम्स सम थिंग lasts when it is fun। ये इसका जो आंसर है जो बनेगा, देखते हैं अपना आंसर कौन सा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि टाइम्स फ्लीज व्हेन यू आर हैविंग फन, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है जो बन जाएगा। आगे 21 देखते हैं, 21 देखो यहाँ पे देर का है कि थो जेनिफर इज द हेड ऑफ द कॉन्टेंट मार्केटिंग टीम एट आदम्स इज वन हु जनरली स्पेस। तो यहाँ पे idiom ए देर का है कॉलिंग द शॉट्स जीरो इन ऑन और गोट माई मोजो वर्किंग और स्पीक ऑफ द डेविल। तो इसका सही आंसर देखो क्या बनेगा, इसका जो 21 का आंसर है जो बनेगा, 21 का आंसर है जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी कि कॉलिंग द शॉट्स। तो कॉलिंग द शॉट्स का मतलब देखो यहाँ पे टू हैव कंट्रोल ओवर प्रोग्रेस और टू गिव डायरेक्शन टू अदर्स, और जीरो इन ऑन का मतलब हो जाएगा टू फोकस और एम परसेसली ऑन समथिंग, और गोट माई मोजो वर्किंग यानी कि वेन समवंस लक इज वर्किंग टू ग्रेट एक्सटेंट, और स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होगा कि वेन समवन अपियर्स जस्ट वेन दे हैव बीन ए सब्जेक्ट ऑफ एन ऑफ कॉन्वर्सेंस बिटवीन और टू मोरे पीपल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या कि कॉलिंग द शॉट्स, कॉलिंग द शॉट्स यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं 22 देखो क्या कहता है कि देर का है 22 में अनिल वाज लकी इनफ टू बी स्पेस आफ्टर हिज बाइक मेट विद एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे idiom देर का है आउट ऑफ द जॉब्स ऑफ डेथ, वन स्टॉप शॉप, स्लीप लाइक ए टॉप, पार्डन माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 22 का आंसर देखो क्या बनेगा, 22 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा कि आउट ऑफ द जॉब्स ऑफ डेथ यानी कि टू बी सेव्ड फ्रॉम ए फेटल सिचुएशंस, वन स्टॉप शॉप का मतलब बनेगा कि ए सिंगल एस्टेब्लिशमेंट वेयर ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर ऑफर्ड,
स्लीप लाइक ए टॉप का मतलब बनेगा साउंड स्लीप, और पार्डन्स माई फ्रेंड्स का मतलब क्या होगा कि सीक एन एपोलॉजी फॉर यूजिंग रूड और ऑफेंसिव लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन इसका सही इडियम है जो हो जाएगा। 23 देखते हैं, 23 देखो देर का है कि पीपल फ्रॉम ऑल स्पेस कम टू दुबई टू अटेंड द फेमस दुबई शॉपिंग फेस्टिवल। यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है कि फुल रश इन वेयर एंगल्स फियर टू ट्रीड और 15 मिनट्स ऑफ फेम और फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ और डंकीज ईयर। यहाँ पे इसका सही आंसर देखो क्या बनेगा, इसका अपना जो राइट आंसर है जो बनेगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। तो फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ का मीनिंग देखो यहाँ पे फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन यानी कि सभी दिशाओं से या फिर ऑल द डायरेक्शंस, और 15 मिनट्स ऑफ द फेम का बनेगा कि राइजिंग टू द फेम फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। आगे 24 का देखते हैं, 24 देखो यहाँ पे क्या देर का है, 24 का देर का है कि हाउ कुड द मर्डर्ड बी स्पेस आफ्टर डूइंग सच सीरियस क्राइम्स। यहाँ पे स्पेस देर का यानी कि सॉरी स्पेस के अंदर आपको जो फिलअप करना है इडियम वो देर का है कि कूल एज ए कुकुम्बर और बोट्स एंड आर्म्स एंड ए लेग क्राई ओवर स्पिल्स मिल्क और ड्रॉ ए लॉन्ग बो। तो यहाँ पे 24 का आंसर देखो क्या बनेगा, 24 का आंसर देखो यहाँ पे क्या बनेगा, तो 24 का देखते हैं इसका आंसर आप लोग है जो क्या कमेंट सेशन में देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है जो बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कूल एज ए कुकुम्बर। तो कूल एज ए कुकुम्बर का मीनिंग देखो यहाँ पे टू बी वेरी कूल एंड रिलैक्स्ड। आगे देखते हैं 25 देखो यहाँ पे क्या कहता है, 25 के अंदर है जो देर का है कि ही हैड बीन ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग फॉर ए ईयर बट कुड नॉट सो ही डिसाइड टू स्पेस। यहाँ पे हिट द है या फिर सेक गो कोल्ड टर्की होल्ड वन स्पीस या फिर कीप योर चिन अप। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर बी एन की गो कोल्ड टर्की का मीनिंग देखो यहाँ पे कि टू सडनली स्टॉप और क्विट सम बैड और एडिक्टिव बिहेवियर लाइक स्टॉप स्मोकिंग, और होल्ड वन पीस का मतलब बनेगा साइलेंट, और कीप योर चिन अप का मतलब क्या बनेगा, बी ब्रेव एंड कोरेजियस इन ए टफ सिचुएशंस। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 26 देखते हैं, 26 देखो यहाँ पे कहता है कि इट स्पेस वेन द मानसून कम्स। तो ऑप्शन नंबर ए देखा कि पुल समवंस लेग स्पीक ऑफ द डेविल पेनी ऑफ यूअर थॉट्स, और डी ऑप्शन देखा है कि रेन कार्ट्स एंड डॉग्स। तो इसका सही आंसर देखते हैं कौन सा बनेगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखा है कि रेन कार्ट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब देखो यहाँ पे मीनिंग देखो देखा है कि रेन हेवीली ट्रमेंड्यूसली, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही आंसर इसका है जो हो जाएगा। 27 देखो, 27 के अंदर है जो देर का है कि बाई वर्किंग पार्ट टाइम एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स टू डेज ए वीक सी मैनेज्ड टू स्पेस। तो यहाँ पे आपको है जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, और आपका जो सेलेक्ट किया हुआ ऑप्शंस बनेगा या फिर जो सही आंसर अपना बनेगा वो क्या रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऑप्शन नंबर बी का जो मीनिंग देखो यहाँ पर गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। तो बेस्ट वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है कि मीन यू कैन इन्जॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम, यानी कि मीन्स का मतलब होता है कि यू कैन इन्जॉय आप है जो इन्जॉय कर रहे हैं टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, दो डिफरेंट या फिर दो अलग अलग जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको एक ही टाइम पर है जो मिल रही है, आप उनको है जो क्या ले रहे हैं, आनंद है वो ले रहे हैं। 28 का देखो, 28 कहता है कि स्पेस सेम्स आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके दे रखे हैं कि बाइट द बुलेट ब्रीक ए लेग कॉल इट ए डे और स्टील समवंस थंडर। आंसर्स बनेगा अपना जो राइट आंसर है जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ब्रीक ए लेग यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। ब्रीक ए लेग का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि मीन्स गुड लक। आपको यहाँ पर अगर कोई चीज़ को या फिर किसी चीज़ को सॉरी मतलब अपने जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उसको जब अपने वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं,
एक तो बेस्ट ऑफ द लक बोलते हैं और गुड लक भी बोलते हैं, तो आज के बाद उनको गुड लक मत बोलना, आज के बाद अपने को उनको क्या बोलेंगे, ब्रीक ए लेग, ब्रीक ए लेग, ये एडियम यूज करना है ताकि अपने को एक ईडियम है जो इसके साथ में युद्ध हो जाएगा, मतलब याद है जो हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से रिमेंबर भी कर पाएंगे। जैसे अपने बोलते हैं ना हमेशा, कोई ना एग्ज़ाम होता है किसी फ्रेंड का, तो अपने मैसेज में लिख देते हैं बेस्ट ऑफ लक गुड लक, तो आज के बाद सिर्फ अपने को एक ईडियम याद करना है, मतलब एक ईडियम ही यूज़ करना है, ब्रीक ए लेग, ब्रीक एक लेग का मतलब होता है गुड लक। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं 29 देर का है कि द लेसन इज नेवर इवर, स्पेस देर का है कि ऑप्शन नंबर ए जज ए बुक बाई इट्स कवर, ऑप्शन नंबर बी देर का है कि मेक एन ओमिलेंट विदाउट ब्रेकिंग सम एक्स और टेक द पीस और रोक द बोर्ड। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, राइट आंसर बनेगा जज ए बुक बाई इट्स कवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जो यहाँ पे हो जाएगा। और मीनिंग देर का है कि दिस पर्सन और थिंग, यानी कि एक ऐसा यह वस्तु या फिर यह व्यक्ति मे लुक बैड बट इट इज़ गुड इनसाइड। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, वो देखो यहाँ पे क्या देर का है कि देन सी कैन केस द चेक एंड स्पेस एट वॉलमार्ट ऑन वेयर एवर। यहाँ पे चार ऑप्शंस, यहाँ पे एडियम आप लोगों के सामने देर की हैं, ही हु लॉट्स लास्ट लॉट्स लाउडेस्ट हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, या फिर हैव द ब्लास्ट हैव ए ब्लास्ट और हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, सही आंसर बनेगा हैव ए ब्लास्ट, और हैव ए ब्लास्ट का यहाँ अगर आप मीनिंग देखें तो वो क्या देर का है, हैव ए ब्लास्ट का जो मीनिंग है वो देर का है कि टू हैव ए गुड टाइम टू एन्जॉय वन सेल्फ, टू हैव ए गुड टाइम टू हैव एन्जॉय वन सेल्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर है जो देर का है। तो एक से 30 तक अपने idiom phrases है वो कर लिए हैं, अभी 10 idiom phrases लास्ट के जो 10 idiom phrases हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, यानी कि आपको क्या करना है उनको सॉल्यूशन करना है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, जैसे ये 31 हो गया, 32 यहाँ पर, जैसे आपको पीडीएफ के अंदर सारे के सारे एनालिसिस किए हुए मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, बट फिर भी आप जिस तक पूरा वीडियो देखते हैं तो उसके सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे है जो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 31 से लेकर 37 तक, यानी कि 7 क्वेश्चंस आप लोगों को मिले हैं, 31 से लेके 37 तक के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को है जो होम वर्क के रूप में है जो दिया है, आप उनको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना, इनको रीड करना और इनके आंसर आप मुझे जो कमेंट सेशन के माध्यम से शेयर करना। अगर कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं कर पाते हो तो आप अगर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े हों, या फिर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते तो आप टेलीग्राम से जुड़े हों, तो वहाँ पर आप है जो मैसेज करना कि 31 से लेकर 37 तक के जो आंसर्स हैं वो आंसर्स क्या क्या बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चनों के आप आंसर है जो वहाँ पे मैसेज के रूम में हम लोगों के साथ है वो शेयर आप लोगों को करना है। 38 देखो यहाँ पे देखा है कि आई वुड से स्पेस इज मोर ऑफ ए फ्रेंडली थिंग, यहाँ पे ऑप्शन देखा है कॉल इट ए डे बस्ट चोप कट ए रग या फिर बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका आंसर देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बस्ट चोप यानी कि टू एक्सर्ट वन सेल्फ और कट ए रग का मतलब क्या बनेगा, टू डांस। आगे 39 देखो, 39 क्या कहता है, माई गर्लफ्रेंड स्पेस वेन ब्रिंग हर होम, यानी कि कोल्ड फिश ड्रिंक लाइक ए फिश नेदर फिश नोर फोल और हैव फिश स्टोरी। देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या बनता है, 39 का आंसर क्या बनेगा, 39 का जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा ड्रिंक लाइक ए फिश, मतलब क्या होता है ड्रिंक लाइक ए फिश का मतलब एल्कोहलिक। अब एल्कोहल तो क्या होता है, शराब होता है, इसी से रिलेटेड है। और कोल्ड फिश का मतलब होता है लैकिंग इमोशंस और नेदर फिश और नोवल का मतलब होता है अनक्लियर, मतलब जो क्लियर नहीं है। और हैव ए फिश स्टोरी यानी कि ए बिग लाइफ। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का, लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे देर का है कि द गवर्नमेंट वाज एक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू स्पेस द स्कैंडल ओवर चैरिटी पार्टीज। यहाँ पे देखा है वाइट एलिफेंट देखा है, वाइट वॉश देखा है, वाइट फिदर देखा है और वाइट कलर। ये वाइट फिदर तो आपको मैंने अभी एनालिसिस का है जो मीनिंग बताया था,
तो देखो यहाँ पे आंसर है जो इसका सही आंसर क्या बनेगा। देखो वाइट फिदर ये तो अपने अभी किया था, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे मिल गया होगा, कावड़ मैंने आपको बताया था, तो ये तो इसका मीनिंग है जो नहीं होगा, मतलब इसके अंदर आंसर नहीं बनेगा, आंसर मीनिंग तो इसका सही है। आगे वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का जो मीनिंग है वो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कोस्टली, ठीक है, और वाइट वॉश का मतलब दे रखा है ग्लोस ओवर फ्लोट्स, तो इसका आंसर क्या बनेगा, वाइट वॉश, वाइट वॉश यानी कि ग्लोस ओवर फॉल्ट्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइट वॉश, ये इसका क्या बनेगा आंसर है जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और वाइट कॉलर का मतलब क्या बनेगा, ऑफिस वर्कर्स, जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इडियम के रूप अगर यूज़ करना चाहिए अपने, तो वाइट कॉलर्स उनको है जो बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन से जो इडियम फ्रेज थे वो सारे के सारे अपने हैं जो द हिंदू एडिटोरियल से है, जो सेलेक्ट करके मतलब मैंने सेलेक्ट किए थे, और उसको एक पीपीटी के रूम में मतलब टाइप किया उसको, और बाद में आप लोगों के साथ है जो शेयर किया है, तो उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको करना क्या है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है जो जाना है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का है जो लिंक मिल जाएगा, या जो आइकॉन या फिर जो ये लोगो आप साइड के अंदर देख रहे हो, यही लोगो है जो हमारे डिफेंस जर्नीज के मतलब जो लोगो टेलीग्राम चैनल है, जैसे डिफेंस जर्नीज, यहाँ पे लास्ट के अंदर वाई के साथ आपको यहाँ पे क्या कर देना है, एस और इंक्लूड कर देना है, तो इसी लोगों के साथ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसके अंदर लगभग 390 के आसपास है जो लोग इसके अंदर है जो ऐड है। जिस भी साथी को कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सजेशंस आप लोगों को देना हो, तो वो आप है जो मुझे कमेंट के माध्यम से या फिर कमेंट बाय थ्रू है जिसके साथ है जो शेयर हम लोगों के साथ है वो शेयर कर सकते हैं। और जिस भी साथी ने अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को तो लाइक कर ही देना है, क्योंकि अब कंटिन्यू आप लोगों के लिए ऐसा एक बेहतरीन वीडियो अपने हैं जो लेकर आता रहूँगा, जो अपने CDS एग्ज़ाम के लिए और अपने FKT एग्ज़ाम के लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अपने सभी साथियों के साथ इस शेयर चैनल को है जो शेयर भी कर देना है, और अपने वीडियो को भी शेयर है वो कर देना है। और जो भी डाउट आप लोगों का हो, वो आप है जो हम लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे यूज़ कर मतलब इंस्टाग्राम या फिर आपका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम लोगों के साथ है वो शेयर कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर एक बार फिर से हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये है जो हमारे टेलीग्राम चैनल का है जो लिंक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा यहाँ पे। ये हमारे है जो टेलीग्राम चैनल का नाम है, मैं यहाँ पे इसका लिंक आप लोगों के साथ है वो शेयर कर देता हूँ, ताकि आप अगर इस लिंक से विजिट करोगे तो भी आप है जो हमारे टेलीग्राम चैनल से है या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। डिफेंस JOURNE इतना तो सेम है, मतलब डिफेंस जर्नी तो आपको लिखना है, बस इसके साथ एस और ऐड करना है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोगों के सामने शो हो जाएगा, और यही लोगो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। तो एक बार सभी साथियों से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के साथ आप जो भी कमेंट है जो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर जो भी सजेशन हमारे साथ है जो शेयर करना चाहते हैं, वो आप है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ है वो शेयर कर सकते हैं। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ऐसे ही कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट वाले प्रैक्टिस सेट है जो आपके CDS CAPF और अपने FKT एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कंटिन्यू आप लोगों के लिए डिफेंस जर्नी यूट्यूब चैनल पे लेकर आता रहूँगा। तो सभी साथियों को मेरा वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।